अब इसको कौन कर सकता है, करेगा कौन? तो इसको जो है जो कर सकता है, यानी जो साहिब इस्तेतात हो वो इसको करेगा, या जो जानवर पालता है उसके पास, ज़रूरी नहीं जकात का मसला नहीं कि इतनी इसके पास निसाब के पास में पहुँचा हुआ इतनी माल दौलत हो तब जाके उसको जकात देना है, तो उसके लिए कुर्बानी करना ज़रूरी है, ऐसा इसमें नहीं है। जकात से इसका कोई जो है कनेक्शन नहीं है। ये जो कर सकता है वो कर सकता है, जो इस्तेतात रखता है कि मैं कर सकता हूँ, ये कुछ जानवर पालते हैं बचपन से और वो उनके पास पैसा नहीं है लेकिन वो कहे कि हमने पाला है और हम कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं, चाहे उनकी गुरबत कैसी भी हो तो वो कर सकते हैं, तो इसके लिए वो नहीं, जो करना चाहे कर सकता है। और साहब इस्तेदात है तो उसके लिए वाजिब और फ़र्ज हो जाता है, क्योंकि एक रिवायत में भी मिलता है कि वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उसके रावी वो फरमाते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो साहिब इस्तेदात हो और अगर वो कुर्बानी करने की ताकत रखता हो उस पर भी कुर्बानी ना करे तो हमारे ईदगाह के करीब ना आए। तो इससे हमको इसकी अहमियत मालूम पड़ती है कि साहिब इस्तेदात को तो ये करना ज़रूरी, उसके लिए जो इसके अंदर छूट नहीं है।